क्लियरली अकाउंटिंग पूरी की पूरी होती है, 5-6 पर बेस करती है। पूरी अकाउंटिंग में कोई पेज भी आप ऊपर करके देखें, इन 5 से बाहर पूरी अकाउंटिंग में कुछ भी नहीं होता। हर चीज पूरी अकाउंटिंग में या एसेट होगी या एक्सपेंस होगी या लायबिलिटी होगी या कैपिटल होगी या इनकम होगी। इन 5 से बाहर पूरी अकाउंटिंग में कोई पेज कोई लाइन देखें, इन 5 से बाहर अकाउंटिंग में कुछ भी नहीं। क्लियरली उसके बाद इन 5 शेयर्स को बेसिकली दो ग्रुप्स में डिस्ट्रीब्यूट किया गया। ग्रुप्स ऑफ अकाउंटिंग दो ग्रुप से, पहला ग्रुप जो है डेबिट ग्रुप, सेकंड जो ग्रुप है वो है क्रेडिट ग्रुप। 5 शेयर्स में से पहले दो है एसेट और एक्सपेंस, डेबिट ग्रुप से काउंट करते हैं। बाकी तीन है लायबिलिटी, कैपिटल और इनकम, ये तीनों क्रेडिट ग्रुप से काउंट करते हैं। अब फाइनल अकाउंट देखें, फाइनल अकाउंट बेसिकली दो टी शेप्ड अकाउंट पर बेस करता है। फाइनल अकाउंट बेसिकली दो टी शेप्ड अकाउंट और एक स्टेटमेंट पर बेस करता है। फाइनल अकाउंट में पहला टी शेप जो अकाउंट होगा वो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होगा। सेकंड वन जिसमें होगा बैलेंस शीट। थर्ड वन जो इसमें होगा वो कहलाएगा कैश फ्लो स्टेटमेंट। जब फाइनल अकाउंट के एलिमेंट्स की बात की जाएगी, फाइनल अकाउंट के कुल तीन एलिमेंट्स हैं। पहला एलिमेंट ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट, दूसरा एलिमेंट बैलेंस शीट, थर्ड वन एलिमेंट जो है वो कैश फ्लो स्टेटमेंट। यहां पर दो एलिमेंट्स को हम देखेंगे क्योंकि आप लोगों के जो सिलेबस तक है वो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट है। कैश फ्लो स्टेटमेंट कभी इस टॉपिक में इस लेक्चर में मैं डिस्कस नहीं करूंगा। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट भी एक टी शेप अकाउंट है और बैलेंस शीट भी एक टी शेप अकाउंट है। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, हर लेजर की दो साइड्स होती है, एक डेबिट साइड और एक क्रेडिट साइड। इसी तरीके से ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट भी दो टी शेप अकाउंट है, इनकी भी दो दो साइड्स है, एक डेबिट साइड और एक क्रेडिट साइड। इसी तरीके से बैलेंस शीट भी एक टी शेप अकाउंट है, एक डेबिट साइड और एक क्रेडिट साइड। फाइनल अकाउंट में इन पांच चीजों को हमें एंटर करना है, एसेट, एक्सपेंस, लायबिलिटी, कैपिटल और इनकम, क्योंकि इन पांच के अलावा पूरी अकाउंटिंग में कुछ नहीं है। अब जो डेबिट ग्रुप से बिलोंग करते हैं, अकाउंटिंग का बेसिक कॉन्सेप्ट है कि जो डेबिट ग्रुप से बिलोंग करेंगे कभी इम्पॉसिबल है कि वो किसी भी टी शेयर अकाउंट के क्रेडिट पर आ जाए। जो डेबिट ग्रुप से बिलोंग करते हैं हमेशा वो जिस भी टी शर्ट अकाउंट में होंगे डेबिट साइड पर एंटर होंगे। मतलब एसेट और एक्सपेंसेस दोनों डेबिट ग्रुप से बिलोंग करते हैं, ये टी शर्ट अकाउंट के हमेशा डेबिट साइड पर एंटर होंगे। अब इसमें दो चीजें, एक एसेट है वो भी डेबिट ग्रुप से बिलोंग करते हैं और एक्सपेंसेस भी डेबिट ग्रुप से बिलोंग करते हैं, ये तीन क्रेडिट ग्रुप से बिलोंग करते हैं। इन तीनों जो क्रेडिट ग्रुप से बिलोंग करते हैं इसमें से कभी भी क्रेडिट ग्रुप से बिलोंग करने वाली कोई चीज किसी लेजर के डेबिट पर नहीं आ सकती। क्रेडिट ग्रुप से बिलोंग करने वाली हर चीज क्रेडिट साइड पर आती है, डेबिट ग्रुप से बिलोंग करने वाली हर चीज डेबिट साइड पर आई करती है। क्लियर है? ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट किसी भी चीज का प्रॉफिट कैलकुलेट करना है तो प्रॉफिट को कैलकुलेट करने के लिए इनकम में से एक्सपेंसेस को माइनस किया जाता है। जितनी भी इनकम है इनकम में से एक्सपेंस को माइनस कर दिया जिसको प्रॉफिट आ जाएगा। इसका मतलब प्रॉफिट का कलर इन पांच शेड में से सिर्फ इनकम और एक्सपेंसिव,
सब ये दो चीजें जो कि प्रॉफिट से बिलोंग करती है, एक इनकम वो भी प्रॉफिट लॉस अकाउंट से बिलोंग करती है, क्योंकि किसी भी चीज का प्रॉफिट कैलकुलेट करना है तो प्रॉफिट को कैलकुलेट करने का जो ताल्लुक है वो सिर्फ इनकम और एक्सपेंसेस का है। अब इन दोनों चीजों में ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस अकाउंट में आना है, क्योंकि प्रॉफिट लॉस अकाउंट प्रॉफिट का जो ताल्लुक है, प्रॉफिट या लॉस का जो ताल्लुक है वो सिर्फ इनकम और एक्सपेंसेस से। जब इनकम और एक्सपेंसेस से, इनमें से जो डेबिट ग्रुप से काउंट करता है वो हमेशा डेबिट साइड पर आएगा। अब इन दोनों में से एक्सपेंस और इनकम में से एक्सपेंस डेबिट ग्रुप से काउंट करते हैं, जब एक्सपेंसेस डेबिट ग्रुप से काउंट करते हैं ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट के डेबिट साइड पर एक्सपेंसेस आएंगे। क्लियर है ये? और इन दोनों में से इनकम से क्रेडिट साइड क्रेडिट ग्रुप से काउंट करती है तो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड पर सिर्फ इनकम ही आएगी। पांच शेड्स है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट में, दो एड्स आएंगे क्योंकि किसी भी चीज का प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करना हो तो प्रॉफिट या लॉस को कैलकुलेट करने के लिए इनकम में से एक्सपेंस को माइनस किया जाता है। जब इनकम में से एक्सपेंस को माइनस करते हैं इसका मतलब कि ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट का ताल्लुक इन पांच हेड में से सिर्फ इनकम और एक्सपेंसेस से। जब इन पांच में से सिर्फ इनकम और एक्सपेंस में से है, पहला कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया कि इसमें जो डेबिट ग्रुप से बिलोंग करेगा वो डेबिट पर आएगा, जो क्रेडिट ग्रुप से बिलोंग करेगा वो क्रेडिट पर आएगा। इन पांच में से दो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट में आ रही है इनकम एक्सपेंस। अब इन दोनों में से जो डेबिट ग्रुप से बिलोंग करता है वो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस के डेबिट पर, जो इन में से क्रेडिट ग्रुप से बिलोंग करता है वो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस के क्रेडिट पर। क्लियर है? इन दोनों में से एक्सपेंसेस जो है वो डेबिट ग्रुप से बिलोंग करते हैं तो एक्सपेंसेस डेबिट पर, इनकम जो है वो क्रेडिट ग्रुप से बिलोंग करती है, इनकम क्रेडिट पर आएगी। हाँ जी, ले रही है। उसके बाद बाकी हमारे पास तीन चीजें रहनी है, एक एसेट लायबिलिटी और कैपिटल और एक अकाउंट रह गए बैलेंस शीट। अब इन तीनों ने बैलेंस शीट में आना है, इन तीनों ने बैलेंस शीट में आना है, वही रूल। इन तीनों में से जो डेबिट ग्रुप से बिलोंग करते हैं डेबिट पर, जो क्रेडिट ग्रुप से बिलोंग करते हैं वो क्रेडिट पर। इनमें से एसेट डेबिट ग्रुप से बिलोंग करते हैं बैलेंस शीट के डेबिट पर, इनमें से लायबिलिटी और कैपिटल क्रेडिट ग्रुप से बिलोंग करते हैं बैलेंस शीट के क्रेडिट साइड पर। वही कॉन्सेप्ट के जो डेबिट ग्रुप से बिलोंग करेगा हमेशा डेबिट पाएगा, जो क्रेडिट ग्रुप से बिलोंग करेगा हमेशा क्रेडिट पाएगा। प्रॉफिट के तहत इनकम और एक्सपेंस है, जब प्रॉफिट के तहत इनकम और एक्सपेंसेस से है तो इनकम और एक्सपेंसेस में से जो डेबिट ग्रुप से बिलोंग करेगा वो डेबिट पा जाएगा, इनकम और एक्सपेंसेस में से जो क्रेडिट ग्रुप से बिलोंग करता है वो क्रेडिट पा जाएगा। बाकी तीन हेड लगे एसेट्स लायबिलिटीज और कैपिटल, इन तीन हेड में से एसेट लायबिलिटी और कैपिटल में से जो डेबिट ग्रुप से बिलोंग करता है वो डेबिट पा जाएगा, इन तीनों में से जो क्रेडिट ग्रुप से बिलोंग करता है वो क्रेडिट पा जाएगा। इस तरीके से अब बैलेंस शीट में पांच हेड, फाइनल अकाउंट में पांच हेड। पहला है एसेट बैलेंस शीट के डेबिट पर, क्योंकि बड़ा डेबिट ग्रुप से बिलोंग करता है, एक्सपेंस डेबिट ग्रुप से बिलोंग करता है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस डेबिट पर, बाकी लायबिलिटीज कैपिटल क्रेडिट ग्रुप से बिलोंग करते हैं बैलेंस शीट के डेबिट पर, इनकम क्रेडिट ग्रुप से बिलोंग करती है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस डेबिट पर। उसका मतलब कि क्रेडिट ग्रुप से ताल्लुक रखने वाली हर चीज क्रेडिट पर ही आएगी, चाहे वो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस डेबिट पर आए या बैलेंस शीट के डेबिट पर आए, कभी भी क्रेडिट ग्रुप से ताल्लुक रखने वाली कोई चीज भी डेबिट पर नहीं आ सकती। क्लियर है? इसी तरीके से जो डेबिट ग्रुप से बिलोंग करते हैं कभी क्रेडिट पर नहीं आएंगे। दो चीजें डेबिट ग्रुप से ताल्लुक रखती है, दो अकाउंट है, इसमें से एक ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस डेबिट पर, एक बैलेंस शीट के डेबिट पर। इसमें से एक्सपेंस जो है वो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस डेबिट पर देंगे और इस जो है वो बैलेंस शीट के डेबिट पर आ जाएंगे। ये बात क्लियर है?